आप देख रहे हैं MPCG एक्सप्रेस और मैं आपके साथ हूं राजू दुबे। हम धर्म यात्रा में आज पहुंचे हैं जरारू धाम, जो हटा तहसील में आता है और जो मगरौन के 5 किलोमीटर दूर है ये जरारू धाम। यहाँ चूँकि आप एक मेरे देख पा रहे होंगे, ये विशाल नदी है जिसके पास एक शिव जी का मंदिर है, और कहते हैं कि इस मंदिर के पास एक जो है वो झील है या गुफा है कहना चाहिए, वहाँ से है जो लगातार पानी आता रहता है। ये आप पूरी नदी देख पा रहे होंगे, हम कहेंगे कि पूरी नदी को दिखाया जाए ताकि आप देखें कि ये विशाल नदी जंगल के बीचों बीच ये जो है वो जरारू धाम है। यहाँ प्राचीन शिव जी का मंदिर है और उस मंदिर के पास ये कुंड है जहाँ से लगातार पानी आता रहता है। कहते हैं कि एक बार यहाँ जो है वो सूखा पड़ा था और उस बार यहाँ जो आसपास के गांव के लोग हैं वो पानी के लिए त्राही त्राही कर रहे थे। इसके बाद यहाँ एक जो है वो थोड़ी थोड़ी सा पानी निकल रहा था और लोगों ने जब यहाँ खोदा तो यहाँ एक कुंड निकला और उस कुंड का लगातार पानी आता रहता है और निकलता रहता है। यहाँ चूँकि लोग जो है त्योहारों पर आते रहते हैं, और जैसे अमावस्या हुई और जो है वो और त्यौहार हुए, शिव जी का यहाँ एक मंदिर है, हम उस मंदिर के भी आपको दर्शन करवाते हैं और उस कुंड के भी दर्शन करवाते हैं जो यहाँ कुंड है और जिससे लगातार पानी आता रहता है। नदी निकली है, नदी जब नदी उफान पर होती है तो वो यहाँ शिव जी के मंदिर तक आ जाती है और भगवान भी जलमग्न हो जाते हैं। पर अभी आप देख पा रहे होंगे कि मंदिर है और मंदिर के दो तीन मंदिर हैं और मंदिर के पास ही यहाँ जो है वो एक कुंड है, और इसमें आप देख पा रहे होंगे इस कुंड को हम कहेंगे अपने कैमरामैन साथी से कि वो इस कुंड को पास से दिखाएं ताकि ये समझ आए। कहाँ से आए भैया? कहाँ से आए? हरदुआ। हरदुआ जामसा। कितने साल पुराना है ये मंदिर, क्या है यहाँ का रहस्य? कुछ है जानकारी आपको कितने साल? हाँ, मंदिर तो अभी भाई है 10 साल है भाई। स्थान कितना पुराना है? इतना स्थान तो बहुत पुराना है, 50 साल है उनकी, हमें मालूम नहीं है। क्या महत्व है यहाँ का? यहाँ का महत्व सिद्ध है, सिद्ध जो मनोकामना करके आते हैं वो सिद्ध होती है। यहाँ सिद्ध का गुफा है ना, सिद्ध महाराज की। हाँ, वे भी यहाँ आते दर्शन। ये जल है, कुंड है जो ये यहाँ बगिया भी बता रहे पहले के आदमी। अच्छा। यहाँ के नेचे हो, ये पत्थरा बहुत ऊंचा आता जब पहले हम लोग ने जब ऐसे थे छोटे, जब ये पत्थरा इतना ऊंचा था, देखो इतना ऊंचा था ये पत्थरा। कितने सालों से यहाँ आ रहे हैं? हम तो 50 साल के हो गए, सो जब 50 साल से आ रहे उम्र अपनी 50 साल से हो रहे, 50 साल से आ रहे। यहाँ हर मनोकामना पूरी होती है। इतने आगे जंगल में सिद्ध महाराज की गुफा है, ऐसी उमें सिद्ध महाराज भी बैठे हैं, वे भी यहाँ दर्शन हो आपकी बता रहे आदमी कि वो तैसे इतने आ रहे थे भोलेनाथ भोले दर्शन। हाँ, बुंदेलखंड चूँकि रहस्यों से भरा हुआ है, यहाँ चाहे वो जटाशंकर धाम कहें, भीमकुंड धाम कहें, और ये जरारू धाम जहाँ साक्षात यहाँ महादेव का ये मंदिर है, महादेव विराजमान है। यहाँ के श्रद्धालु कहते हैं कि यहाँ जंगल में सिद्ध है, शिव जी का एक मंदिर है और वो यहाँ दर्शन करने आते हैं। क्या सच है क्या नहीं वो तो उन श्रद्धालुओं के ऊपर है, पर यहाँ का जो मंदिर है वो सच में भव्य है और दिव्य है। आप ये पूरा नज़ारा देख पा रहे होंगे, यहाँ पर्यटक जो हैं वो लोग दूर दूर से आते हैं और उच्च छुट्टियों उन जाकर साथ ही जो भोले बाबा के दर्शन हैं वो करते हैं। और इनके पीछे आप एक नदी देख पा रहे होंगे तो जो इस जगह के और भव्य बनाती है।